हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ आगामी 10 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया। जिला कांग्रेस फतेह खान ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे भारत बंद का समर्थन करें। कांग्रेस का कहना है कि उसकी ओर से बुलाया गया भारत बंद सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा, ताकि आम जनता को दिक्कत नहीं हो। शनिवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह खान की अगुवाई में कांग्रेस कार्यालय में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष और बाड़मेर प्रभारी हीरालाल विश्नोई, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, अमीन खान और जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि आज देश का कोई वर्ग खुश नहीं है। महंगाई की मार ने सबकी कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से सब परेशान है। हिंसा का माहौल भी है, हर कोई परेशान है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में यह तय किया गया है कि 10 सितंबर को भारत बंद होगा। जैसा कि जो कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मीटिंग बुलाई थी पूरे जयपुर में, और ये निर्देश हमें दिया था, और जितने भी हमारे जिले के प्रभारी हैं वो आज सारे पूरे राजस्थान में सभी जिलों में पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से प्रेस वार्ता करके, इसमें ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल और गैस ये आपके तकलीफ नहीं है और हमारे तकलीफ, ऐसा नहीं है, सभी लोगों के तकलीफ है। आपके भी मोटरसाइकिल के ऊपर तेल चलता है, तो आप लोगों से भी इसलिए सहयोग मांग रहे हैं कि ये आम जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, आम गरीबों से जुड़ी हुई बातें हैं, तो इसमें व्यापारी भी हमारा सहयोग करेंगे, ये हम अपेक्षा रखते हैं। क्यों रखेंगे कि व्यापारियों के भी इस बात के बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो हम व्यापारियों से भी, व्यापारी संगठनों से भी बात करेंगे और बात करके और इसको भारत बंद को सफल बनाने की पूरी प्रयास करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें सफलता हमें हासिल होगी, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से भाषा, और आप लोगों ने भी पत्रिका में देखा होगा कि पंप के ऊपर कोई प्रधानमंत्री का आज दिन तक फोटो नहीं लगा है। जितने भी प्रधानमंत्री बने वो पेट्रोल कंपनियों के तो सभी के वो उन्हीं के अंडर में आती थी, मगर पहली बार मोदी जी का हर पंप के ऊपर हंसते हुए फोटो लगा हुआ है। लोग रो रहे हैं और रोज का रोज भाव बढ़ रहा है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।